Hi everyone, welcome to my YouTube channel Study Shivet Krati 2, and in today's video we are going to talk about सेमेस्टर फोर स्टूडेंट्स पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो है, क्योंकि हम पॉलिटिकल प्रोसेस से रिलेटेड अभी लेक्चर्स तो डिटेल नहीं डाल पाए हैं, बट आई गॉट रियली समथिंग कूल फॉर यू ऑल विच इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट. सो बिफोर बिगनिंग दिस वीडियो जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक डाल रही हूँ, यू कैन जॉइन दैट टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज मैं PDF शेयर करूँगी सेमेस्टर फोर स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे आपका आंसर स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे दिए होंगे एंड हम उसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि मैंने सेमेस्टर फोर के जो है नोट्स अपडेट नहीं किए, बट आई हैव अपडेटेड एंड आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इट. डोंट वरी, आई जस्ट अटैच द लिंक इन टू द वीडियो सो दैट यू कैन फाइंड आउट. फाइन, लेट्स सी हेयर. अभी हमें बात करनी है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया. दिस इज़ वन ऑफ योर पेपर. वैसे तो पेपर का नाम बहुत लंबा है, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया करके. सेमेस्टर फोर का है एंड आपके यूनिट्स कुछ ऐसे है. फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आपका पहला यूनिट है, फिर इलेक्टोरल सिस्टम आता है, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम आता है, नेशनल स्टेट, जेंडर इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. सो देर आर टोटल 5 चैप्टर्स दैट यू नीड टू कवर. अब इन 5 चैप्टर्स में से मैं आपको सजेस्ट करूंगी गो फॉर एनी 4 चैप्टर्स. Means to say, आप कोई एक स्किप करने का रिस्क ले सकते हो. ठीक है, वो कौन सा होगा वो आप डिसाइड करेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हुई है, हर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे. क्योंकि मैंने यहां पे लिखे नहीं है इसलिए मैं PDF प्रोवाइड करा रही हूँ, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे. यू कैन जस्ट फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर PDF. मैं या तो लिंक डाल दूंगी PDF का यहां पे मेरी ड्राइव पे अपडेट करके, अदरवाइज द बेटर ऑप्शन वुड बी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगा वहां पे. सो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में मेनली आपका जो चैप्टर 1 है, इट्स मोर अबाउट द गवर्नमेंट के टाइप्स कौन से, लाइक यूनिटरी एंड अदर टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट. वो फंक्शन कैसे करते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है, पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है, और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होते हैं, अथॉरिटेरियन रजीम क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या होती है, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है, प्लूरलिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है, ऐसे मेन क्वेश्चंस इससे निकल के आएंगे. तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से ये वाला यूनिट पक्का करना, डोंट स्किप दिस वन. गोइंग फॉर द सेकेंड यूनिट विच इज गोइंग टू बी इलेक्टोरल सिस्टम. देखो, इलेक्टोरल सिस्टम इज प्रेटी इजी, डेफिनेशन प्रोसीजर टाइप्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम. आप लोग ना ये वाला चैप्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लास 11 से कर रहे हो, तो आपके मेरे अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए. इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, डेफिनेशन उसका, वोट्स कैसे पोल किए जाते हैं, क्या तरीका होता है उसको करने का, इलेक्शन सिस्टम क्या है, लाइक आपका PR सिस्टम आ जाएगा, आपका डायरेक्ट सिस्टम आ जाएगा, PM के लिए कैसे करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए कैसे करते हैं, गवर्नर के लिए कैसे करते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, सारे टाइप ऑफ इलेक्शंस आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे. तो क्वेश्चंस भी आपके इसी से रिलेटेड होंगे. थर्ड देखते हैं पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम. आई नो स्टूडेंट्स आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई एम अटैचिंग दोज इनटू द PDF एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं उस PDF में, बट मैंने स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया है. फॉर इंस्टेंस इफ देयर इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन तो उसको आंसर करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बीच में क्या आएगा, आई जस्ट एडेड एवरीथिंग. पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, माय सजेशन इज गो फॉर इट. क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 चेक करो, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, एंड रीड अबाउट इट. दिस इज समथिंग गोइंग टू गिव यू अ lot of insight about it. Parties and party system, era of one party dominance, congress system, coalition system, abhi jo chal raha hai, NDA, UPA, this is all is involved into this one. One party system, two party system, multi party system. ye to bahut common question hai jab party se related aata hai, to aapko isme countries ke example dene hain, unke model ke example dene hain, why they opted for it. Okay, and then going for the nation state, I think that this is the only complex unit from your perspective that I find. Nation and state में क्या difference होता है, कब emerge हुआ, sovereignty का concept कब आया, हम nation से state कब बने, state का broader मतलब आज के time पे क्या होता है, and so on. Nation कैसे बनता है, क्या वो 4 elements है जिससे आप किसी भी जगह को nation मानते हो या state मानते हो, population, territory and government, ये सब आपका आ जाएगा. फिर फिफ्थ चैप्टर आता है जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल
जेंडर इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसमें आपको सबसे बढ़िया बताओ, आप ना वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट इन पीस करके वाला टॉपिक ले लेना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हो तो छोड़ देना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसीजर है उसमें वुमेन का क्या स्ट्रगल रहा है, पीस रहा है, जितने भी उनसे रिलेटेड मूवमेंट्स हो गए, लाइक आपका मी टू मूवमेंट हो गया एंड बहुत सारे मूवमेंट इन्वॉल्व हैं, वो आप सब इसमें देख लीजिए। उनको आज तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जस्ट एज अ मैन क्यों नहीं मिल पाया वो देख लीजिए। एंड इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप वो भी कर सकते हो, बट इन माई ओपिनियन थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करो एंड सारे यूनिट्स की बजाय उसका आधा आधा पोर्शन लो, और जो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी उसमें तो बाकी चीजें समझ आ जाएगी। एंड बाय चांस आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, बट आपको ये नहीं पता उसका आंसर कैसे लिखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन, नॉट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक्चुअली कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो एंड आई विल रिप्लाई विद द डिटेल्ड आंसर दैट यू सपोज टू राइट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड आपका जो पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए भी हम एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज कर लेंगे, तो आप एग्जाम से पहले आपको पता होगा कि कितना पोर्शन यहाँ पे सिलेक्टिव करना है। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए वी विल बी टेकिंग रजिस्ट्रेशन जस्ट आफ्टर योर फोर्थ सेमेस्टर, इन केस यू वॉन्ट टू एनरोल फॉर आर सब्जेक्ट, मीन्स टू से फॉर आर क्रैश कोर्स, यू कैन डू इट। बाय बाय फॉर नाउ।